आज की वीडियो में मैं आपको रोमानिया के एक अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा अभी कुछ टाइम पहले ही दिसंबर मंथ में क्रोएशिया को सैनिगन में एंट्री मिल गई है, मगर रोमानिया और बुल्गारिया को एंट्री नहीं मिली। तो इस पे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि रोमानिया जल्द ही सैनिगन में एंट्री कर लेगा, वह 2023 के हाफ तक एंट्री कर सकता है। रोमानिया के खिलाफ सभी ने वोट किया था, मगर उनके अगेंस्ट सिर्फ ऑस्ट्रिया ने वोट नहीं किया था, क्योंकि उनका कहना था कि रोमानिया से काफ़ी बंदे जो डंकी के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, जिससे ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन काफ़ी वहां की इंक्रीज हो गया, जो इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं और ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं। तो सिर्फ ऑस्ट्रिया ने ही रोमानिया के अगेंस्ट आपत्ति जताई थी। तो अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा है कि रोमानिया के सारी क्राइटेरिया बस फुलफिल करता है, इसलिए उनको भी शैनिगन में एंट्री करने का, वो भी जल्दी एंट्री ले लेंगे। बस उन्हें ऑस्ट्रिया की तरफ से बस उन्हें एक थोड़ी अपने बॉर्डर को स्ट्रिक करना पड़ेगा, अगर उनके वहाँ पे नेक्स्ट ईयर में अगर इलीगल इमिग्रेशन जो करते हैं वो उनकी कम होती है, तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया भी उनके फेवर में वोट कर देगा, और उसके बाद रोमानिया भी 2023 के हाफ तक शैनिगन में एंट्री कर सकता है।